बक्सर के चौसे से लड़ाई शुरू हुई थी अंग्रेजों को भगाने की, ये बात तो जानते ही होंगे आप। किस तरह से अंग्रेजों को भगाने का दौर शुरू हुआ था बक्सर से, उसके बाद पूरे देश में लड़ाई शुरू हो गई थी। और इस बात को मानने से भी इनकार नहीं करेंगे हम कि बक्सर की बात यूपी तक जाती है और बक्सर की बात बिहार में कितना असर करती है यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यूपी और बिहार की बात पूरा देश सुनता है, पूरे देश की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार और यूपी से ही शुरू होती है। लेकिन एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं हम आपको, बक्सर से ही आते हैं प्रशांत किशोर। इस खबर को अपने जेब में रख लीजिए, ऊपर वाली जो बटन होती है उसे लगा लीजिए, उस पर न्यूज बिहार का मोहर मार लीजिए। चार पार्टियों के सूत्र से मिले हमें यह खबर एक्सक्लूसिव। न्यूज बिहार सबसे पहले आपको यह बता रहा है कि प्रशांत किशोर ही हैं वो शख्स जो बक्सर से एमपी का चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह से आपने ये खबरें सुनी होंगी, जैसा कि आप जानते होंगे, राजनीति का वो चाणक्य प्रशांत किशोर जिसने 2014 में मोदी लहर बनाकर मोदी को जिताया था, और जब पूरी तरह से मोदी लहर फैल गया उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगाते हुए नीतीश कुमार को बिहार में जितवा दिया था, वही प्रशांत किशोर, वही राजनीति का चाणक्य जो बक्सर की माटी में पैदा हुआ है, ब्राह्मण भी हैं, जानते होंगे आप उनको। अब वो बक्सर से चुनाव लड़ेंगे एमपी का। आज जदयू की बैठक के बाद उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, यह खबर हमने आपको बता दी है। लेकिन अब कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, वहां के कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं मुन्ना तिवारी, और पोस्टर भी लग रहे हैं जदयू और कांग्रेस के, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट भी ले चुके हैं प्रशांत किशोर बहुत सारे दलों के। तो क्या कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि प्रशांत किशोर चुनाव तो लड़ेंगे, पक्का है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे बक्सर से। प्रशांत किशोर किस दल से चुनाव लड़ेंगे, जदयू, कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य दल से, इस विषय में भी हमारी जो रिसर्च है वो जारी है। अगले वीडियो में हम आपको ये जरूर बता देंगे कि क्या कुछ है प्रशांत किशोर की रणनीति का। अब तक तो आप सुनते आए होंगे नीतीश कुमार की क्या रणनीति है, लेकिन प्रशांत किशोर अपने लिए भी तो रणनीति बनाते होंगे, उनकी रणनीति के बारे में भी हमारी रिसर्च जारी है। जैसे ही कुछ खबर निकल के आते हैं हम हर पल हर खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं आलोक यदुवंशी आपसे यह वादा करता हूं कि मैं हर एक खबरों को आप तक सत्य के साथ लेकर आऊंगा, और उन खबरों को आप अपने जेब में रख लीजिएगा न्यूज बिहार का स्टाम्प लगा के, कभी आपको शर्मिंदा महसूस नहीं होना पड़ेगा। बनना है भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।